नमस्कार साथियों, छठ पर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। इस त्यौहार को जो भी मनाते हैं, जो इस त्यौहार के प्रति आस्था रखते हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पर्व, छठ पूजा का जो त्यौहार है, जो पर्व है, वो भारत के अनेक राज्यों में मनाया जाता है और बाकायदा इसको धूमधाम से मनाते हैं लोग। वो मुख्यतः बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मनाया जाता है। लोग बाग इसमें देखें तो ये वहाँ भारत के आस्था का पर्व माना जाता है। इसमें देखें तो जो ऑब्जर्वेशन है, जो जिस तरह ये त्यौहार मनाते हैं, उसमें लोग व्रत रखते हैं, उस दिन गंगा स्नान करते हैं, आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और पूजा करते हैं। जो घाट है नदी के, तालाबों के, उसके ऊपर जाके लोग बाग स्नान करते हैं और स्नान करने से कई आस्थाएं इस पर्व को लेकर जुड़ी होती हैं। छठ पर्व भारत के वैदिक त्यौहार, हिंदू वैदिक त्यौहार के रूप में है और जो अभी आने वाला है। छठ पर्व को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि छठ हो गया, छठ पर्व हो गया, डाला छठ, डाला पूजा, सूर्या षष्ठी, अन्य नाम से भी जानते होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी एक ट्विटर पर ट्रेंड चला हुआ है, छठ तो घाट पर ही होगा। आज ये मांग उठी क्यों? दोस्तों, कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी त्यौहार आता है, दीपावली पर क्रैकर्स न जलाएं, होली पर पानी व्यर्थ न करें, तो लोग बाग जो हैं, ये जो हैं, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं, करें किसी त्यौहार को? सरकार है उस पर पाबंदियां लगा रही है, क्या ये सही है? एक सेलिब्रेशन का क्या तरीका हो सकता है? कोई त्यौहार आता है, उसको किस तरह से सेलिब्रेट करें, या चुपचाप अपने घर पे बैठ जाएं? तो ये आज ये ट्विटर पर क्यों मांग उठी, छठ तो घाट पे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घाट हैं, गंगा के जो स्थान हैं और तालाब हैं, उन पर गंदगी वगैरह न फैलें और कुछ महामारी के चलते भी प्रिकॉशन लिए हैं, तो उसका कुछ समाधान, अल्टरनेट समाधान निकाला जा सकता है। किसी भी पर्व है, उसको लोगों की आस्था जुड़ी होती है, एकदम से उसको बंदी से लगा कर किसी को भी, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ट्विटर पर भी ये मुहिम, ट्विटर के जो महारथी हैं, उन्होंने छेड़ रखी है, छठ तो पर्व, छठ तो घाट पर ही होगा। काफ़ी ट्वीट आए हैं इस टॉपिक पर, जो भी आप ट्विटर ट्रेंडिंग में है, जो भी ट्विटर चलाते हैं, उनको पता होगा। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या गाइडलाइन है सरकार की, जो बंदिशें हैं वो सही हैं, या अल्टरनेट कुछ साधन निकाल के इसको धूमधाम से आस्था के इस पर्व को मनाया जा सकता है? दो, आपकी अपनी राय क्या है इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पे, आप ज़रूर दें। एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं सभी को छठ पर्व की। जय हिंद, भारत माता की जय।